जम्मू कश्मीर के डोडा में सैन्य कर्मियों के शहीद होने के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। राहुल ने कहा, एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक हैं। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। चलिए अब आपको विपक्ष के कुछ और नेताओं के बयान भी सुनवा देते हैं। मैं किसके पास जाऊं? मेरी सरकार पाकिस्तान की सरकार है क्या? मेरी सरकार भारतवर्ष की सरकार। मैं यहां सवाल पूछूंगा। बड़ी बड़ी बातें हुई थी, 370 हटते ही ये होगा वो होगा, कहां गए वो? वो जुबानी गायब हो गई है, वो कुछ बोल ही नहीं रही, वो चुप्पी साधे हुए है। हमारा सवाल चुप्पी की संस्कृति को खत्म करने का है। चुप मत रहिए, चाइना पे चुप, यहां चुप, मणिपुर पे चुप, चुप चुप चुप। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेके कई अलग अलग पॉलिसी अजमाई। एक समय में इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई, ये विफल रहे। उसके बाद इन्होंने वहाँ की सरकार बर्खास्त कर दी। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने केंद्र शासित सरकार लगा दी, ये अभी भी विफल रहे। जून और जुलाई की बात अगर हम लें तो कई बार हमारे सैनिकों ने शहादत दी, जैसे अभी आप बता रहे हैं इसमें एक मेजर भी थे जो शहीद हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही जून की घटनाएं, 6 फौज के लोग मारे गए थे। उससे पहले आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं के ऊपर हमला कर दिया था, 33 लोग घायल हुए थे, 9 लोगों की मृत्यु हुई थी। लगातार आप देखें, ना तो कश्मीरी पंडित वापस जा सके, ना जम्मू कश्मीर के अंदर विकास लौटा। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार से ताकतें छीन छीन के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रहे हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऊपर अभी अभी आरोप लगा, और वो खूब ट्विटर पे चल रहा है, उन पे आरोप लगा कि अपने बेटे के रिसेप्शन के लिए सरकारी धन का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन जम्मू कश्मीर संभालेगा? क्या इस तरीके के लोग जम्मू कश्मीर संभाल पाएंगे? मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। इनको सभी दलों के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया जाए।